हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटेल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम्पी के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम्पी का इतिहास शुरू होता है प्रथम शताब्दी के आरंभ से। उस समय हम्पी के आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। हम्पी सम्राट अशोक के माइनर रॉक शिलालेख और गोलेंट के अनुसार यह साम्राज्य 3वीं शताब्दी दौरान अशोक साम्राज्य का ही एक भाग था। बाद में हम्पी शहर को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य में महाराज कृष्णदेव राय ने यहाँ 1529 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी में शेष रहे अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ चार पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इस शहर की रक्षा करती थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। दोस्तों, उस समय विजयनगर में तकरीबन 5 लाख निवासी रहने लगे थे और हम्पी एक बहुत ही समृद्धशाली शहर था और बहुत ही खूबसूरत था। पर इस शहर में बहुत बड़े बड़े मंदिर तथा हिंदू संस्कृति से बनाए गए मंदिर और बहुत सी वस्तुकलाएं थी। और हम्पी महाराज कृष्णदेव राय के समय में बहुत ही समृद्धशाली और विकासशील सभ्यता रहा है, जिसे बाद में महाराज कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में इस बहुत समृद्धशाली शहर पर आक्रमण कर दिया और इस शहर को तबाह कर दिया, जिसमें मंदिर तोड़े गए और इस शहर को 6 महीने तक बहुत लूटा गया। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को रामायण काल में पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। हम्पी नाम हम्पा देवी के मंदिर के कारण पड़ा। हम्पा देवी मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत विवरण लॉन्ग हस्ट ने अपनी पुस्तक हम्पी डाउन में दिया है। दोस्तों, हम्पी के साथ एक पौराणिक एसोसिएशन भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों और लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र को रामायण में पौराणिक किष्किंधा वानर राज्य कहा जाता था। दोस्तों, हम्पी वो जगह है जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता की खोज करने के लिए लंका जाने से पहले बना ली थी। आज के पहाड़ों और कई स्थानों पर सुग्रीव वाली और भगवान हनुमान और भगवान श्री राम के रुकने की कहानियाँ उकेरी गई हैं। दोस्तों, हम्पी अपने खंडरों की सुंदरता, वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हम्पी में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कर्नाटक की प्रमुख नदी में से एक तुंगभद्रा नदी इसी शहर में बहती है और इन खंडरों के पास एक विस्मयदायक प्राकृतिक पत्थर इन विशाल शिलालेखों के स्रोत हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।